हाय गाइस, सो वेलकम टू इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पार्ट वन। सो फ्रॉम टुडे आई होप यू गाइस हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ बजट। सो बेसिकली जो इकोनॉमिक की करंट अफेयर्स थी वो हमारे बजट पार्ट से स्टार्ट हुई थी। बजट का जो मैंने वीडियो बनाया था, जो लेक्चर बनाया था, वो लगभग दो पार्ट में था, पार्ट वन और पार्ट टू। उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली बजट कवर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार उसको जाके देख लेना। बजट आए बजट उतना ही बहुत है, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंड यस, प्रीलिम्स पोस्टपोन भी हो गया है 10 अक्टूबर के लिए, तो अब आप लोगों को काफी अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि बहुत कम टाइम रह गया है, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। तब आपके पास टाइम भी अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ो अपना, ठीक है, अच्छे से। इसलिए मैं अब थोड़ा सा जो वीडियो में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन करा है, जो मेरे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने प्रिपेयर की थी वो थोड़ा सा क्रिस्प मैनर में थी। वो मोस्टली जो थी वो 27 जून के हिसाब से मैंने बनाई थी, क्योंकि तो टाइम कम रह गया था, तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा, अब जो करंट अफेयर्स आ रही है ना, एक इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पार्ट वन, ये मैंने वीडियो मॉडिफाई करी है, और इसमें काफी थोड़ा सा मैं डिटेल में गया हूँ हर करंट अफेयर्स की, ताकि आप लोग थोड़ा बेटर तरीके से इसका एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पार्ट वन। ठीक है, ये यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो हमारी पहली न्यूज है वो है, ये मैंने आपको बजट में ही बताया था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। ठीक है, ये आपका जो बॉडी है एनबीएफआईडी, जो आपकी बॉडी है ये एनबीएफआईडी, ये बेसिकली आपका एक डीएफआई की तरह, ये बेसिकली आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह बनाने का प्रपोजल रखा गया है। ये बजट 2021-22 के बजट में निर्मला, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो इसके लिए एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये एक स्टेटरी बॉडी की तरह बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को पता है स्टेटरी बॉडी क्या होती है। स्टेटरी बॉडी कोई भी बॉडी यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, उसे स्टेटरी बॉडी बोलते हैं। चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की एक्ट हो या फिर आपका पार्लियामेंट की एक्ट हो, बस वो प्रोविजन है कि वो इंस्टीट्यूशन किसी एक्ट के थ्रू बना होना चाहिए, उसे बोलते हैं स्टेटरी बॉडी। ठीक है, इसकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ रुपीज रखी गई है, अलॉन्ग विद फाइनेंशियल। इसके दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो होंगे लैंड, मतलब क्रेडिट देना, इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टमेंट्स लेके आना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो तीन चीजें हैं याद रखना, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड पुलिंग द इन्वेस्टमेंट। एक है आपका गिविंग द इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट करना, और दिस इज पुलिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पुलिंग द इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली उनका इन्वेस्टमेंट कराना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंटायरली और पार्टली इन इंडिया, मतलब बाहर भी, बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी ये इन्वेस्ट करवा कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं, अगर स्टेटमेंट पूछा जाए ओनली इन इंडिया तो ओनली इन इंडिया गलत होगा। ठीक है, याद रखना, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया बट इन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, कि इसमें लिखा है एंटायरली और पार्टली इन इंडिया। देन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, मतलब बॉन्ड मार्केट यानी जो आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको डेवलप करना, ताकि ये लोन्स डेरिवेटिव्स टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर। तीन चीजें रहेंगी फाइनेंसिंग लाने के लिए, बॉन्ड यानी आपका फाइनेंशियल मार्केट, शेयर्स मार्केट, लोन्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये तीन तीन इसके वेपन्स रहेंगे, तीन ऐसे बोल दो तीन टूल्स रहेंगे इसके टू फाइनेंस द डेवलपमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव्स होगा, एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा और एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, एनबीएफआईडी जो है इट विल बी आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इसका मेन काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। ठीक है, इट विल बी मैनेज बाय अ चेयरमैन एंड अ बोर्ड नॉमिनेटेड प्रोफेशनल्स हु विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा इन्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। दूसरा है शेयर्स ऑफ एनबीएफआईडी कैन बी हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एनबीएफआईडी के शेयर्स हैं यानी जो उसकी ऑनरशिप है वो किस किस के पास हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड, इंश्योरर्स,
मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, सॉवरन वेल्थ फंड्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये लिस्ट थोड़ा सा आप लोग याद रखना। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता था कि जो चीज अभी, जो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, उसमें क्वेश्चन नहीं आता, बट इस साल से हमने जो मेंस में क्वेश्चन देखे थे उसमें ड्राफ्ट तक पूछे गए थे, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, देन आपका कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ने सेकेंड सेकेंड ट्रांच मतलब सीरीज, ठीक है, ये बेसिकली फर्स्ट सीरीज जिसमें आपने प्राइवेट प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अदानी हो गया। ठीक है, देन आपका सेकेंड सीरीज होती है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आके कोल माइनिंग में, कोल माइनिंग की ऑक्शनिंग जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग क्या है, कोल माइनिंग सेक्टर जो प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला गया है वो 2020 में खोला गया है। ठीक है, कोल सेक्टर वॉज ओपन फॉर प्राइवेट कंपनीज 47 ईयर्स आफ्टर कोल माइनिंग वॉज नेशनलाइज इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट हैड ऑल्सो अमेंडेड द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट टू ओपन कोल ऑक्शन फॉर नॉन माइनिंग पर्पजेस। पहले क्या था आपका, बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 के तहत जो कोल ऑक्शन, यानी जो भी कंपनीज कोल ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बेसिकली माइनिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, अब उसको कोल ऑक्शन को फॉर नॉन माइनिंग पर्पज के लिए भी खोल दिया गया है, एमएसएमईज के लिए भी खोल दिया गया है और फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोल दिया गया है। ठीक है, लगभग 65% बिडर्स वर फ्रॉम नॉन एंड यूजर। नॉन एंड यूजर कौन होते हैं, जो कोल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, कोल को इस्तेमाल नहीं करते हैं बट उसको आगे सेल करते हैं। ठीक है, वेयर बिडर इज नॉट अ डायरेक्ट यूजर ऑफ द कोल, मतलब जो बिडिंग कर रहा है वो डायरेक्ट यूजर नहीं है कोल का। लगभग ये डेटा आप लोग याद रखना, अबाउट 65% बिडर्स वर फ्रॉम नॉन एंड यूजर। ये मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ ये फर्स्ट ट्रांच का दे रहा हूँ, यहाँ नोट कर लेना, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, फर्स्ट ट्रांच मतलब फर्स्ट सीरीज का। ठीक है, 2020 में ही प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग शुरू किया गया है। ठीक है, और ये लगभग 47 ईयर्स बाद जब कोल नेशनलाइज हुआ था उसके 47 ईयर्स में पहली बार कोल को प्राइवेटाइज किया गया है, मतलब ओपन प्राइवेट कंपनीज अब कोल माइनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली थी इसमें, कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को कमेंट करके बताओ कि गवर्नमेंट का 2022 तक का कितना कोल प्रोड्यूस करने का टारगेट है, 2022 तक का कितना कोल प्रोड्यूस करने का टारगेट है, टारगेट ऑफ कोल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 2022 तक। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ 2022 तक गवर्नमेंट का कितना कोल प्रोडक्शन करने का प्रोविजन है। ठीक है, मैं इसको कमेंट में मेंशन कर दूंगा आंसर, पर आप लोग पहले इसको मुझे आंसर बताओ। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है माइस रोड शो, ये इंपॉर्टेंट है। माइस मतलब होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस। बेसिकली इसका पर्पस होता है इंडिया को एक माइस डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करना, मतलब जो भी आपके मल्टीलेटरल ग्लोबल मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई वर्ल्ड बैंक की, या फिर कोई यूनाइटेड नेशंस की हो गई, या फिर आपका यूनिसेफ की हो गई, ठीक है, या फिर यूनेस्को की हो गई, तो बेसिकली क्या है इंडिया को प्रमोट करना कि आप ये सारी मीटिंग्स हमारे यहाँ कर सकते हो, वी हैव अ गुड फैसिलिटीज ऑफ दीज मीटिंग्स। तो इस माइस का, माइस बेसिकली इज मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस के लिए इंडिया को एज अ आइडियल लोकेशन प्रमोट करना। ठीक है, ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है ये इवेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इस बार मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ मिलकर कर रहा है, और इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये अगेन इस, दिस इवेंट इज अगेन एन एफर्ट अंडर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, देन मीट इन इंडिया इज द डिस्टिंक्ट सब ब्रांड अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया हमारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है, उसके अंदर एक हमारी ब्रांड बनाई गई है मीट इन इंडिया। मीट इन इंडिया मतलब मीटिंग्स करना, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस। अब ये क्या है, इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सबको पता है मध्य प्रदेश का अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, तो अभी इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो क्या है, जब मैंने आपको इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया था ना ये चीज कि ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो लगभग 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, एंड इट इज द ओनली ट्रेवल इंडस्ट्री बॉडी, वर्ड इज ओनली, इस वर्ड को याद रखना, इट इज द ओनली ट्रेवल इंडस्ट्री बॉडी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एंटायर माइस इंडस्ट्री विद मेंबर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, होटल्स,
एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट्स, प्रोफेशनल्स, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट मैनेजर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड और बहुत सारे। तो मुद्दा ये है कि इन सब में से क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सब में से अगर क्वेश्चन आया तो पूछेंगे ओनली गवर्नमेंट ओनली ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ दिस, नहीं तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं एज वेल एज स्टेट मेंबर, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रमोट इंडिया एज अ हाईली डेवलप्ड कन्वेंशन सेंटर्स, ठीक है। जो इस बार का ये था ना एमपी वाला, इसमें खजुराहो को कन्वेंशन सेंटर प्रमोट करना इसका टारगेट है, ठीक है। आप मेरे को बताओ खजुराहो को कौन से डायनेस्टी में बनाया गया था, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। काफी फेमस टेम्पल्स हैं अपने इरोटिक आर्ट का, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। तो उसमें मुझे कोई बताओ कि खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो का जो पूरा टेम्पल बिल्डिंग है वो कौन सी डायनेस्टी में हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना, इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो 1988 में, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इट इज द ओनली ट्रेवल बॉडी, इंडस्ट्री बॉडी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। एंड इट इज इसका जो मेन टारगेट है इज टू हाईली डेवलप द कन्वेंशन सेंटर्स, और जो एमपी में हो रहा है मेंशन करना भूल गया, इसका टारगेट है खजुराहो को एज अ कन्वेंशन सेंटर प्रमोट करना, ठीक है। देन आपका ये अथॉरिटी काफी न्यूज में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, तो इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। इसका जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होता है वो होता है इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, मतलब एक ये फंड डेवलप करा गया है जिसका बेसिकली पर्पज है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी उनको हमारे इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में बताना, ठीक है। मेक रिफंड्स ऑफ शेयर्स, अनक्लेम डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा टू इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यस दे मेक रिफंड्स ऑल्सो, मेक रिफंड्स ऑफ शेयर्स मतलब अनक्लेम डिविडेंड्स मतलब जो डिविडेंड्स मतलब प्रॉफिट, ठीक है। डिविडेंड्स मतलब शेयर इन प्रॉफिट, और इसे प्रॉपरली बोलोगे तो इट इज शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। अगर किसी कंपनी का अगर कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है तो वापस जिसका ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको वापस देना, ठीक है। देन मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा टू इन्वेस्टर्स मतलब उनको वो ये सारा चीजें वापस उनको पहुंचाना, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बेसिकली क्या है इसका पर्पस क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, ठीक है। तो न्यूज में क्यों है बेसिकली ये, इसने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने अपनी मोबाइल ऐप पे लॉन्च करी है, और जिसका पर्पज है फाइनेंशियल लिटरेसी, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अमंग इन्वेस्टर्स इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, ठीक है। तो याद रखना इट इज नॉट ओनली इन द अर्बन एरियाज बट इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। अगेन द ऐप विल पुश फॉर ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। देन इसके बाद आपका इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स एंड कॉमन सिटीजन इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट स्कीम्स, मतलब बोथ इसका बेसिकली टारगेट है अचीविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन अमंग द इन्वेस्टर्स इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। द ऐप विल ऑल्सो पुश फॉर ईज ऑफ लिविंग, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स एंड कॉमन सिटीजन इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट स्कीम्स, मतलब जो स्कीम्स जैसे आपकी कुछ पोंजी स्कीम्स होती है ना, पोंजी स्कीम्स होती हैं बेसिकली, कुछ बहुत सारी पोंजी स्कीम्स आपकी फ्रॉडलेंट फ्रॉड होती हैं, तो उन सब के बारे में अवेयरनेस देना इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब जो पोंजी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी तो एक इन्वेस्टर हुआ ना, तो इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ शेयर्स और रिन्यूअल की छोटे एरियाज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे अमाउंट वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको भी ये एजुकेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है रूरल एज वेल एज अर्बन। देखो ऐसे क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में घुमाए जाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे दे देंगे ओनली इन अर्बन एरियाज या नॉट इन रूरल एरियाज। तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इन्वेस्टर्स तो अर्बन एरियाज में होते हैं, रूरल एरियाज का क्या मतलब है यहाँ से। तो इसलिए मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हैं कि इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। एंड इसका जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। जो ये अथॉरिटी इट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखना। देन नेक्स्ट इज ग्राम उजाला स्कीम। ये स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में है। इसका ये इस स्कीम के तहत हम दुनिया में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब रूरल एरियाज में बांट रहे हैं, जिसकी कॉस्ट है मात्र 10 रुपए। ठीक है, नॉर्मली जो एलईडी बल्ब होते हैं वो 60 रुपए से 150 रुपए तक जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट 300, 200, 250 के भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब। बट इस स्कीम के तहत हम सिर्फ 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में इस एलईडी बल्ब को सेल करेंगे, जो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट रेट है एलईडी बल्ब का। ठीक है, एलईडी बल्ब इज लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। दिस स्कीम इज फाइनेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। कार्बन क्रेडिट्स मतलब होता है, हर एग्जांपल लो आपका, कंट्री ए है, ठीक है, ये कंट्री बी है। हालांकि ये सब आप एनवायरनमेंट में भी पढ़ोगे, बट मैं आपको यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। अब इसमें क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन यूनाइटेड नेशन का जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, या फिर जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको कार्बन क्रेडिट समझा देता हूँ। पहले कंट्री ए है, सपोज इसको 250 कार्बन क्रेडिट दिए गए हैं। ठीक है, 250 कार्बन क्रेडिट और इसको दिए गए हैं, ये आपकी डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, ये आपकी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, या फिर दोनों डेवलप्ड हैं, कैसे ही मान लो, या दोनों डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको 250 कार्बन क्रेडिट दिए गए हैं और इसको भी चलो 250 कार्बन क्रेडिट दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये 250 गीगाटन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर सकती है रिलीज, और इसका मतलब भी सेम है। अब इसने क्या करा, इसने 250 ना करके इसने 251 कर दिए। ठीक है, और इसने करे आपके 249। तो जो इसका एक कार्बन क्रेडिट बचा है ना, ठीक है, वो कंट्री ए परचेज कर सकती है, कंट्री ए परचेज कर सकती है और इसको इसके बदले कुछ डॉलर में पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसने भी 250-250 बैलेंस कर दिया, 250-250 बैलेंस कर दिया। मतलब इसने जो एक एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट स्पेंड किया था, मतलब एक गीगा टन का इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने रिलीज करी थी, वो उसने कंट्री बी के साथ डील करके उसको बैलेंस कर लिया, और इसके बदले में इसको डॉलर्स में रुपीस को पेमेंट कर दिया। और इस कंट्री ने इस डॉलर का इस्तेमाल कोई ग्रीन डेवलपमेंट के लिए कर लिया। क्लियर है ये कार्बन क्रेडिट का? तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको आप लोग यूनिसे क्या नाम है इसका, UNCCF, कौन क्या होता है, UNFCC, सॉरी, दिस इज UNFCCC। ठीक है, ये आप सब एनवायरमेंट में पढ़ोगे, इसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये सेम प्रिंसिपल चलता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री आपस में, या डेवलप्ड कंट्री जो है अपना, जो उसने अभी तक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री, उसके बदले डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को ग्रीन मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए फंड प्रोवाइड करता है। दिस इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम जो कार्बन क्रेडिट से विल कंट्रीब्यूट टू ₹60 पर पीस, वाइल ₹10 विल बी पेड बाय द रूरल कंज्यूमर। ठीक है, तो लगभग मतलब 60 + 10, ₹70 की ये आपको एलईडी पड़ रही है, ₹70 की, जिसमें से ₹60 हम कार्बन क्रेडिट के माध्यम से यूज करेंगे, और जो ₹10 बचे हैं आपके, जो आपके ₹10 बचे हैं वो आपका जो कस्टमर होगा वो देगा। अंडर द स्कीम ये जो आपके CFLs और ये इंसेंट डिसेंटेड बल्ब्स होते हैं ना, विल बी टेकन बैक फ्रॉम द रूरल कस्टमर्स। एलईडी बल्ब्स अंडर द स्कीम विल बी ऑफर्ड बाय द स्टेट रन कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, EESL, ठीक है, ये मेन एलईडी मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, देन आपका कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ से याद रखना। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एलईडी मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड बाय वैल्यू। ठीक
ठीक है, दो चीज होती है, एक वैल्यू होती है और एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, वैल्यू से हम सेकेंड लार्जेस्ट एलईडी मार्केट है वर्ल्ड में। देन गवर्नमेंट्स प्रीवियस जो उजाला स्कीम आई थी इससे पहले वो भी एलईडी के लिए थी, उसमें जो बल्ब था गवर्नमेंट्स प्रीवियस उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल उजाला स्कीम वॉज प्रोवाइडिंग एलईडी बल्ब एट ₹70 पर पीस। उजाला स्कीम में कस्टमर को ₹70 पर पीस के हिसाब से पे करना पड़ रहा था, और इस स्कीम में ग्राम उजाला स्कीम में ये बेसिकली सिर्फ रूरल कस्टमर को सिर्फ मात्र ₹10 देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी जो ₹60 हैं वो आपका कार्बन क्रेडिट के माध्यम से इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। ग्राम उजाला इज बेसिकली दिस स्कीम इज फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देन पावर ग्रिड जो आपकी एक बड़ी PSU है, महारत्ना स्टेटस है इसके पास, उसने एक अपना पोर्टल लॉन्च करा है प्रणित। ठीक है, इस पोर्टल का काम क्या होगा, दिस पोर्टल विल हेल्प इन मेंटेनिंग द लेस पेपर वर्क, ईज ऑफ ऑपरेशन एंड मेकिंग द टेंडरिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। द पोर्टल हैज बीन सर्टिफाइड बाय स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट STQC। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो आप कभी भी नाम देख के बता नहीं सकते कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीट वाई के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। ठीक है, इसका बेसिकली काम यही है, जो टेंडरिंग वगैरह दी जाती है ना पावर ग्रिड के द्वारा अलग अलग चीजों के लिए, वो सब आप ऑनलाइन मीडियम से ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी इस पर्टिकुलर पोर्टल से होगा, प्रणित पोर्टल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देन ये प्रणीत मैंने आपको बता दिया। देन कम्स योर एनुअल एक्सपोर्ट रेटिंग इंडेक्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, बेसिकली जब हमने इकोनॉमिक सर्वे अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो नहीं, बट जो पुराने स्टूडेंट्स उन्होंने जब इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक पॉइंट था इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 1 में भी था एंड वॉल्यूम 2 में भी था। उसमें बेसिकली ये बोला गया था इकोनॉमिक सर्वे में कि यदि हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन, याद रखना ये पॉइंट, अगर हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2024 तक, ठीक है, तो जो हमारी ग्रोथ रेट है क्यूमुलेटिव ये एग्रीगेट ग्रोथ रेट, यानी जो एनुअल ग्रोथ रेट है, वो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 8% होना चाहिए GDP का। ठीक है, उसके लिए कम से कम GSDP यानी ये आपका डिस्ट्रिक्ट का जो GDP होगा, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट का आपका GDP होगा वो आपका कम से कम 10% से ज्यादा होना चाहिए। ये लाइन बोली गई थी इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में, और उसमें इस चीज को प्रमोट करने के लिए बोला गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाया जाए, मतलब जिस उस डिस्ट्रिक्ट की जिस प्रोडक्ट में बेसिकली वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जैसे कि अगर मैं मेरठ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मेरठ, ठीक है, तो मेरठ इज बेसिकली हैविंग गुड पोटेंशियल इन द स्पोर्ट्स आइटम्स में। इफ आई टॉक अबाउट मुरादाबाद, then there is a potential in the copper items, ठीक है, copper items या bronze items, ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक district का एक unique product identify करो और उसको उस product में export promote करने के लिए program बनाओ। ठीक है, तो DGFT Director General of Foreign Trade under Ministry of Commerce will be assisting the states and union territories in to prepare the annual export ranking index of different districts. ठीक है, annual export ranking index. The index, जो ये index है, ये हर एक district को उसकी export competitiveness के basis पे ranking provide करेगा।
ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान था, एक्सपोर्ट एक्शन प्लान था, अ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान विल बी फॉर्मुलेटेड विच विल बी इंक्लूड, जो मैंने आपके बताया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो पोटेंशियल यूनिक प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैविंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट विल कवर द एस्पेक्ट्स लाइक प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड इन डिजाइन, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू कोल्ड चेन एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज, ठीक है। ये सारा आपको डेटा याद रहे, ये सारा पॉइंट याद रखना है। इनफैक्ट आप यहाँ से स्कीम का भी मैंशन कर सकते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, स्टेट्स की मदद करेगा एनुअल एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स में, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने खुद के एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स बना सके, ताकि वो अपने जो उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में रैंकिंग प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान, थोड़ा सा याद रखना, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन आरबीआई ने एक अभी कमेटी गठन करी है, ठीक है, जिसका काम होगा जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं बैंक, नए बैंक्स के लिए जो न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको इवेल्युएट करना बेसिकली, ठीक है। जो ये पैनल है आपका, इस पैनल का नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, ये याद रखना, SEAC, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। इसका काम होगा जो यूनिवर्सल बैंक्स या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है उनको इवेल्युएट करना, ठीक है। ये कमेटी में 5 सदस्य हैं और जो इसके चेयरपर्सन है, इट विल विल बी फॉर्मल आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर श्यामाला गोपीनाथ, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि श्यामाला गोपीनाथ किस चीज से, श्यामाला गोपीनाथ कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इट इज एसोसिएटेड विद द इवेल्युएशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इसका 3 साल का टेन्योर होगा, ठीक है। आफ्टर दिस द कमिटी विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द आरबीआई, एपेक्स बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है। द कमिटी विल मीट पीरियोडिकली एज एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो याद रखना दिस श्यामाला गोपीनाथ कमेटी किस पर्पज के लिए बनाई गई है, ठीक। देन कम्स योर इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। इस बिल में जो मैंने आपको बजट में भी बताया था, बजट में भी ये बात हुई थी जब हमने फाइनेंस टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो हमारे निर्मला सीतारमण है या फिर जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो FDI ये इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में जो FDI लिमिट है 49% से बढ़ा के 74% इंक्रीज कर रही है, और इसमें ऑनरशिप और इंश्योरेंस कंपनीज में भी बदलाव किया जा रहा है। As per the bill, the majority of directors on the board and key management persons will have to be resident Indians. ठीक है, majority persons to be the resident Indians. Then 11 committees set up to drive country to circular economy. This topic is again very important. What is circular economy? सबसे पहले important ये रहेगा. Circular economy एक economic system होता है, एक अर्थव्यवस्था होती है, जिसका main target होता है eliminating the waste. ठीक है, मतलब जो वेस्ट है, प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसको मिनिमाइज करना या उसको एलिमिनेट करना, एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इसके जो मेन कंपोनेंट्स रहेंगे, रीयूज, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग, रीसाइक्लिंग एंड शेयरिंग, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5R and 1S, ठीक है, 5R and 1S, इट मिनिमाइजेस द यूज ऑफ रिसोर्स इनपुट्स, ठीक है। इसके जो मेन एरिया 11 फोकस एरिया जो सिलेक्ट करे गए हैं, जिन एरियाज में लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी में मूव करने का टारगेट बनाया गया है सरकार के द्वारा, वो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, स्क्रैप मेटल, सोलर पैनल्स, जिप्सम, लिथियम आयन बैटरीज, एग्रीकल्चर वेस्ट, टॉक्सिक हजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज्ड ऑयल वेस्ट, टायर एंड रबर रिसाइकिलिंग एंड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये वाले 11 फोकस एरियाज आप थोड़ा सा याद रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सर्कुलर इकोनॉमी की डेफिनेशन याद रखना। ये बेसिकली एक अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम होता है जिसका टारगेट होता है टू एलिमिनेट द वेस्ट एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड इट्स मेन कॉम्पोनेंट्स आर रीयूज, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकिलिंग एंड शेयरिंग। इट मिनिमाइजेस द यूज ऑफ रिसोर्स इनपुट्स, मतलब ये रिसोर्स को बराबर रिसाइकिल कर रहा है, तो नए रिसोर्सेस का इनपुट से मिनिमाइज कर देता है, ठीक है।
देन कम्स योर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है. SBI एंड IOCL विल बी द फर्स्ट टू साइन द फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. देखो दो चीज होती है, एक LIBOR. LIBOR होता है लंडन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट, ठीक है, ऑफर रेट. इस लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है. मैं एक एक टर्म होती है इकोनॉमी में कॉल रेट. कॉल रेट इज बेसिकली जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा उधार देता है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बोलते हैं कॉल रेट, ठीक है. तो होता क्या है, जो ये जो कॉल रेट इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये LIBOR के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. बट अभी LIBOR क्या है ना, LIBOR गिनी चुनी करेंसीज पर डिपेंडेंट है, यानी जो मेजर करेंसीज है उन पर डिपेंडेंट है. जैसे डॉलर हो गया आपका, या पाउंड स्टर्लिंग हो गया आपका, या फिर आपका यूरोज हो गया, ठीक है. तो ये अब एफिशिएंट नहीं रहा है, इसमें काफी ज्यादा आपके लूप होल्स निकल के आ गए हैं. इसलिए द अनाउंसमेंट इज कि दिसंबर 2021 के बाद से LIBOR का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा. तो उसका ही एक ऑल्टरनेट निकाला गया है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है. क्योंकि LIBOR के आधार पर ही आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो डिसाइड होते हैं. तो अभी जो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, इट इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स और डेरिवेटिव्स होंगे ना, जो या जो एक्सटर्नल या जो ग्लोबल ग्लोबल जो डील होगी जो डॉलर्स के टर्म्स में होगी, अब उसका इंटरेस्ट रेट SOFR के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा. SOFR is based on transactions in the treasury repurchase market and is seen as preferable to LIBOR since it is based on data from observable transactions rather than estimated borrowing rates. ठीक है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, estimated borrowing rates मतलब है गिनी चुनी यूरोस गिनी चुनी करेंसीज की वैल्यूज पे एस्टिमेट किया जाता है. इसलिए आपका LIBOR को अब दिसंबर 2021 से यूज करना बंद कर रहे हैं, उसकी जगह जो हमारा ऑल्टरनेट सिस्टम आया है वो आया सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट. अब इसके आधार पे आपका बेसिकली जितनी भी डॉलर डिनोमिनेट यानी जो भी ग्लोबली डॉलर के आधार पे जितने भी डेरिवेटिव्स या लोन्स होंगे वो सब SOFR उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो SOFR के बेसिस पे होगा, ठीक है. ये जो SOFR है इज बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन इन द ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट. ये क्या होता है भाई, ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट, वेयर इन्वेस्टर्स ऑफर बैंक्स ओवरनाइट लोन्स बाय बॉन्ड बैक्ड बाय देयर बॉन्ड एसेट्स. मतलब जो आपका जो बैंक्स होते हैं ना, जो बैंक्स को आपका क्या होता है, मनी की क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए ना इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं मार्केट में, इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं. तो ये इन्वेस्टर्स बैंक्स को पैसा देते हैं ओवरनाइट बेसिस पे, और इसके बदले में बैंक्स इन्हें अपने जो भी बॉन्ड्स होते हैं या शेयर्स बॉन्ड्स वाले एसेट्स होते हैं ना, वो इनको देते हैं. जैसे कि किसी बैंक ने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी हो, या किसी फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी खरीद रखी हो, यानी प्राइवेट क्लास की सिक्योरिटी, प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटी खरीद रखी हो, तो इन रिटर्न वो एज अ कोलेट्रल वो इन्वेस्टर को देते हैं, और इन्वेस्टर इन रिटर्न ओवरनाइट के लिए बैंक्स को उनका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो दे देते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है. तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टर्स बैंक्स को ओवरनाइट लोन्स देते हैं, और बैंक्स उसके बदले में इन्वेस्टर्स को जो भी उनके बॉन्ड्स या जो उनके पास कंपनीज के बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो एज अ कोलेट्रल इन्वेस्टर्स को देती हैं, ठीक है. LIBOR जो मैंने आपको बता दिया, सबमिटेड बाय लीडिंग बैंक्स इन लंडन, अंडर इट ईच बैंक एस्टिमेट्स व्हाट इट वुड बी चार्ज टू बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स. क्लियर है यहाँ से, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेना इसको, इजीली समझ में आ जाएगा. बस इतना समझो कि जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है. तो जो वो इंटरेस्ट रेट होता है ना, अभी तक LIBOR के बेसिस पे होता था, अब वो जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स या डेरिवेटिव्स होंगे बैंक्स के बीच में वो सब SOFR के बेसिस पे होंगे, ठीक है. तो जो SOFR है वो बेसिकली ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट के आधार पे होगा. जो ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट है ये वो एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बैंक्स को ओवरनाइट आधार पे लोन्स देते हैं, और बैंक्स उनको इन लोन्स के बदले कोलेट्रॉल के आधार पे इनको जो भी इनके पास बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को वो लोग देते हैं, ठीक है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि SBI और इंडियन IOCL आपकी फर्स्ट कंपनी बनी जिन्होंने SOFR का यूज करा। इम्पोर्टेंट है कि SOFR क्या होता है, LIBOR क्या होता है, ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट क्या होता है। दीज थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, इनको कमेंट कर देना, ठीक है, मैं इसको दोबारे से समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बट एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना, डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स और लोन्स के लिए ही है आपका SOFR, ठीक है। देन UPI हेल्प, NPCI ने UPI हेल्प करके एक पोर्टल लॉन्च करा है। बेसिकली इसमें क्या है, जो भी भीम एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो आप इसके थ्रू लॉग कर सकते हो, ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इट इज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप। ये भीम क्या है आपका, डेवलप्ड बाय NPCI। इट सपोर्ट्स ऑल इंडियन बैंक्स विच यूज UPI एंड हैज बीन बिल्ट ओवर IMPS। ये सभी मोबाइल डिवाइसेस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। NPCI क्या है आपका, NPCI एक अम्ब्रेला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जो जिसका काम है रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स अक्रॉस द इंडिया को सेटल करना। दिसंबर 2008 में इसको बनाया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर NPCI को खोला था। अभी इसकी जो ऑनरशिप है वो बड़े बड़े बैंकों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। SBI हो गया आपका, ICICI हो गया आपका, HDFC हो गया आपका। इस तरीके से आप जब वेबसाइट देखोगे इसकी NPCI के, आपको बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट मिलेगी, जिसके पास किसी के पास 5% शेयर है, किसी के पास 10% शेयर है, किसी के पास 15% शेयर है। इस तरीके से ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बल्कि इनके जो शेयर्स हैं वो आप बैंक्स के बैंक्स में डिवाइडेड है। तो कहने का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। ये याद रखना, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है आपकी, ठीक है। इसमें जो जो इसकी जो ऑनरशिप है वो बहुत सारे बैंक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ओनरशिप बैंक्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या है आपका कि जो इसके शेयर्स हैं वो बैंक्स ने खरीद रखे हैं अलग अलग बैंक ने। देन चेनाब ब्रिज बहुत कॉमन करंट अफेयर है, सबको पता है। ये जो आपका जो इस चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है, चेनाब नदी आपका इंडिया से पाकिस्तान में फ्लो करती है, ये हिमाचल प्रदेश में आपका ओरिजिनेट होती है, ठीक है। दो नदी मिलके चेनाब नदी बनाते हैं आपकी, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ लेना आप लोग। इट इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कॉन्क्रीट आर्क ब्रिज बिल्ट इन बिटवीन बकल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो ब्रिज है इसका वाइडेस्ट स्पैन है इंडियन ब्रॉड रेलवे नेटवर्क में। इट इज वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज और ये ब्रिज इतना हायर है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और इवन आईफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी काफी ज्यादा ऊंचा है। और ये जो ब्रिज है इसका डिजाइन इस हिसाब से डिजाइन करा गया है कि ये 266 किलोमीटर पर आर की स्पीड को भी झेल सकता है, क्योंकि इस जो एरिया है जो बक्कल और काउरी रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक पिलग्रीमेज के लिए जाना जाता है, पिलग्रीमेज के लिए जाना जाता है, ठीक है। जब भी आप वैष्णो देवी वगैरह जाओगे, ठीक है, जब भी आप वैष्णो देवी वगैरह जाओगे तो उसके बाद हम एक रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सिर्फ खोड़ी, ठीक है, सिर्फ खोड़ी बेसिकली, ठीक है। ये आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जो एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट काफी टूरिस्ट एरिया है, ठीक है, काफी टूरिस्ट एरिया है। ये जो पिलग्रीमेज है सिर्फ खोड़ी, यहाँ पे काफी ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे टूरिस्ट जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, याद रखना। रियासी में कौन सा पिलग्रीमेज है, इट इज सिर्फ खोड़ी, ठीक है। और वैष्णो देवी कहाँ है आपका, कटरा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना थोड़े से। देन US बिकम्स इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, हालांकि डायनेमिक करंट अफेयर है, हार्डली पूछी जाएगी क्योंकि चेंज होते रहते हैं ये सब, बट थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड पहले हमारा, फर्स्ट तो हमारा इराक रहता है ऑयल सप्लायर में, फिर हमारा सऊदी अरेबिया होता है, देन उसके बाद US आता है। बट अभी सऊदी अरेबिया ने ओवरटेक कर दिया है, ये पीछे हो गया और ये आगे आ गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट है बिकम द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स ऑफ इंडिया। ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो ओपेक प्लस है, अभी आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने डिसाइड करा है कि वो अपना ओपेक प्लस एक ये आपका मल्टीलेटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो इसकी सदस्य हैं, ठीक है। इसको आप बेसिकली एक तरह का कार्टल भी बोल सकते हो जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो इस ओपेक प्लस ने अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया था कि हम वॉलेंटरली अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे। क्यों कम करेंगे भाई, ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे, डिमांड तो कम नहीं होगी ना, सप्लाई कम हो जाएगी,
सप्लाई कम हो जाएगी पर डिमांड कम नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी मिसमैच बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी इन्फ्लेशन, यानी जो तेल के प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। तो इसी डिसीजन के तहत सऊदी अरेबिया ने वॉलेंटरी 1 बिलियन आउट 1 बिलियन बैरल पर डे, बीपीडी इज बैरल पर डे, आउटपुट कट करने का निर्णय लिया है। इसी वजह से भारत को अब कम ऑयल मिलेगा वहां से, और इसी कारण यूएस आगे आ गया है और सऊदी अरेबिया पीछे चला गया है। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, और एज पर द डेटा इराक कंटिन्यूड टू बी द टॉप ऑयल सेलर टू इंडिया। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आता है, इराक आता है आपका। ठीक है, देन इंडिया ने प्रपोज करा है क्रिप्टो करेंसी बैन। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है आपका, इट इज अ डिजिटल एसेट विच वर्क्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेयर इंडिविजुअल कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली सम लॉक्ड कोड होता है, लॉक्ड कोड होता है जिसको हर कोई नहीं देख सकता। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द क्रिएशन ऑफ एडिशनल कॉइन्स एंड ऑल्सो वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ कॉइन ओनरशिप। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिटकॉइन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी। इंडिया गवर्नमेंट इज टू बैन, अभी बैन नहीं हुआ है इन इंडिया, डिस्पाइट दैट द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है स्टेटमेंट दे देंगे, तो वो स्टेटमेंट गलत है। वॉल्यूम इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। इन इंडिया नियरली 8 मिलियन इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग अराउंड 100 बिलियन रुपीज एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द इंडस्ट्री। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, वाइल दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इंडिया में जो आपको क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन है, काफी टाइम से क्रिप्टो करेंसी न्यूज में है, ये इंक्रीज हो रहा है। अभी ये जो चीजें, ये जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा दूंगा क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, अगर ये पर्सन ए है, ये बी को पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है, ये ए है, ये इस पूरी इमेज का जो सोर्स है वो एक्स लर्न है। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाई गई इमेज नहीं है, इसको मैंने एक्स लर्न से वहां से कॉपी किया है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेन करने के पर्पज से, ठीक है, तो जिसकी जो क्रिएटिविटी है उसको क्रेडिट देना चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉपी कर भी रहे हो तो उसका सोर्स जरूर मेंशन कर दो नीचे, सोर्स क्या है। ठीक है, तो पर्सन ए है वो बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ए वॉन्ट्स टू ट्रांसफर मनी टू बी। ठीक है, तो अब जो ये ट्रांजेक्शन है ना, वो कोई पैसे डॉलर्स या फिर पाउंड स्टर्लिंग या फिर येन के फॉर्म में या फिर रुपी के फॉर्म में नहीं होगी, वो एक ब्लॉक के फॉर्म में होगी, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इज ब्रॉडकास्टेड टू एवरीवन, जो भी उस नेटवर्क का पार्ट होंगे वो सबको वो ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, जब वो सभी से आपका वेरीफाइड हो जाएगा, अप्रूव्ड एज वैलिड फ्रॉम एवरीवन इन द नेटवर्क, तो वो वाला ब्लॉक जाके जो बाकी ट्रांजेक्शन के ब्लॉक है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, द ब्लॉक इज देन एडेड टू द चैन प्रोवाइडिंग एन इनरिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। और जब ये ब्लॉक आपका पूरी इस का और ट्रांजेक्शन के साथ अटैच हो जाएगा, तब जाके बी को ए से पैसे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ये ब्लॉक फॉर्म में होता है। वॉट इज दिस ब्लॉक, ब्लॉक इज द ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिस इज ऐसे लिखो, ट्रांजेक्शन डिटेल्स इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। एनक्रिप्टेड मतलब हो गया आपका मशीन लैंग्वेज फॉर्म में होती है। ठीक है, यूजर लैंग्वेज फॉर्म में नहीं होती, मशीन लैंग्वेज फॉर्म में होती है। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, जैसे आपका हो गया 0 1 1 के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अदरवाइज नीड नहीं है इसकी। ठीक है, और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होने तो पता ही होगा बिट्स क्या होता है, 0 1 और ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को बैन प्रपोज किया है, बट अभी तक बैन हुआ नहीं है। देन एक और संगठन है, काफी टाइम से न्यूज में है। ठीक है, दिस काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी दैट एडवाइज द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रिलेटेड टू रोड्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, द काउंसिल हेल्ड इट्स मीटिंग एटलीस्ट वन टाइम इन अ ईयर। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, मैं समझाने का ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, देन काला नमक राइस फेस्टिवल जो अभी यूपीपीसीएस है जो भी जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है, उसके लिए ये वाली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ये जो राइस फेस्टिवल है काला नमक राइस, ठीक है, ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी बात मैंने अभी आपकी करी थी डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन काउंसिल के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। जो काला नमक है ये बेसिकली ईस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट्स में यूज होता है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में। ये आपका बेसिकली जो ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धार्थ नगर, दियोरिया, गोरखपुर, माहिरगंज, खुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंदा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन सब में ऐसा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, देन कम्स योर आत्मनिर्भर निवेशक निवेशक मित्र पोर्टल। ठीक है, ये बेसिकली इसका काम है इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अगेन द वर्ड इज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मदद करने के लिए ये वर्ड यूज करा, ये पोर्टल लॉन्च करा गया है, यहाँ से दिख भी रहा आपको, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका इससे आपको पॉलिसीज एंड न्यू इनिशिएटिव्स और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की अपडेट्स मिलते रहेंगे जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है। एंड दिस पोर्टल विल वर्क एज वन स्टॉप शॉप इन ऑर्डर टू एक्सेस ऑल एमएसएमई पोर्टल सच एज एमएसएमई समाधान, चैंपियंस पोर्टल, एमएसएमई संपर्क। ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ ये एमएसएमई समाधान और एमएसएमई संपर्क किस, इनका बस पर्पस बता दो वन लाइन स्टेटमेंट में। इसको मैं आगे करंट अफेयर में कवर करूंगा, बट आप लोग जिसको पता है वो कमेंट करके मेरे को बता दो एमएसएमई समाधान और एमएसएमई संपर्क का संपर्क में क्या डिफरेंस है। इट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स एंड लैंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, देन इसका द पोर्टल विल प्रोवाइड इट सपोर्ट टू द इन्वेस्टर्स थ्रू आउट देयर बिजनेस जर्नी एंड विल हेल्प देम इन गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम फाइंडिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरिंग इंसेंटिव्स, टैक्सेस विच आर एप्लीकेबल टू देयर बिजनेसेस, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, सोर्सेज ऑफ फंडिंग, ट्रेनिंग, टेंडर इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली इसका कुछ इतना बड़ा पर्पस, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका काम है जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, उनको बेसिकली जो उनका बिजनेस है उसमें क्या इंसेंटिव्स उनको मिलेंगे या फिर उस एरिया में क्या टैक्सेस वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग द लैंड अवेलेबिलिटी, ऑल्सो लैंड अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, उस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आपका इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है उसके बारे में दी जाएगी। फंडिंग के सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, टेंडर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट जो भी उनका होगा उनको उसमें हैंड होल्ड सपोर्ट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार ने इसके लिए काफी प्राइवेट कंपनीज के साथ भी संपर्क बना रखा है जो हमारे इंडिविजुअल डोमेस्टिक ये इन्वेस्टर्स या फिर स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन कम्स योर मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये दिस इज अगेन फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। अभी इसका जो पर्पज है ये है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को प्रमोट करना। ये अभी ऑल ओवर इंडिया में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में लागू हुआ है। इसका जो पर्पज होगा, द ऐप विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप, जो सबसे पास फेयर प्राइस शॉप होगी वो आप लोकेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, हु विल दिस ऐप विल बेनिफिट दोज राशन कार्ड होल्डर्स हु विल मूव टू न्यू एरियाज फॉर लाइवलीहुड्स। मोबाइल एप्लीकेशन विल बी लॉन्च इन 14 लैंग्वेजेस। करंटली ये अभी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, करंटली अभी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, और जो ये 14 लैंग्वेज सिलेक्ट होंगी ना, 14 लैंग्वेज कौन सी होंगी? शेड्यूल 8 वाली होंगी क्या? शेड्यूल 8 वाली होंगी, जो शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज है उसमें से 14 सिलेक्ट करेंगे? नहीं, ये जो लैंग्वेज होंगी ये होंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस वेयर मोस्ट माइग्रेंट पीपल मूव्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट पीपल जाते हैं, जैसे आपका जब या महाराष्ट्र हो गया आपका, या दिल्ली हो गया आपका, या हरियाणा हो गया आपका, इन सब एरिया में बिहार यूपी के काफी सारे माइग्रेंट्स मूव करते हैं, यानी प्रवासी काफी सारे मूव करते हैं यहाँ पे। तो इन सब एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चेन्नई हो गया, केरला हो गया,
ठीक है, ये तमिलनाडु हो गया, चेन्नई कह रहा हूँ सॉरी, तमिलनाडु हो गया। तो इन सब एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन सब एरियाज को लोकेट किया जाएगा जहाँ पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, और उस बेसिस पे 14 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप बेनिफिशरीज कैन इजीली चेक डिटेल्स ऑफ फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट, रिसेंट ट्रांजेक्शंस, स्टेटस ऑफ देयर आधार सीडिंग, मतलब आधार उनका लिंक है या नहीं है, इसका स्टेटस भी वो लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देन LIC ओन्ड IDBI बैंक जो है आपका, इंडस्ट्रिया ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको PCA फ्रेमवर्क यानी प्रोटाई आपका क्या बोलते हैं, PCA फ्रेमवर्क से इनको बाहर निकाला गया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये मैं कहीं लिखा नहीं है मैंने, मैं लिखना भूल गया हूँगा शायद, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब बेसिकली जब बैंक्स कुछ अपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देता है तब RBI उस बैंक को PCA फ्रेमवर्क में लाती है, मतलब अब वो RBI के डायरेक्ट सुपरविजन में रहेगा। तो वो क्या है पैरामीटर्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एसेट क्वालिटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ये चार पॉइंट याद रखना प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि किन चार पैरामीटर्स के आधार पे ये डिसाइड होता है कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को PCA में लाना है या नहीं लाना। तो ये चार पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये तो हमने बेसल नॉर्म्स में भी पढ़ा था, ये भी हमने बेसल नॉर्म्स में पढ़ा था, रिटर्न ऑन एसेट्स हमने बेसल नॉर्म्स में पढ़ा था। एसेट क्वालिटी मतलब होता है आपका लोन की क्वालिटी, मतलब कितना लो रिस्क लोन है बेसिकली, जितना ज्यादा हाई रिस्क लोन होगा, जितना ज्यादा हाई रिस्क लोन होगा उतनी ही लो आपकी एसेट क्वालिटी भी होगी, उतनी ही लो आपकी एसेट क्वालिटी होगी। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है 2002 में RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका जो काम है वो NPAs को रिड्यूस करना है। ठीक है, द फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ओनली टू द कमर्शियल बैंक, जो पूरा फंडा है PCA फ्रेमवर्क का ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे ही लागू होता है, कॉपरेटिव बैंक्स और NBFCs इस PCA फ्रेमवर्क की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है बैंकिंग का जो सेकंड पार्ट था वो बता देता हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द कैपिटल यानी ऑपरेटिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। रिस्क वेटेड एसेट बेसिकली हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ हाई रिस्क लोन्स, परसेंटेज ऑफ मीडियम रिस्क लोन्स एंड परसेंटेज ऑफ लो रिस्क लोन्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हम RWA कैलकुलेट करते हैं, और कैपिटल उसकी वैल्यू हमारे पास पता होती है कि बैंक के पास ऑपरेटिंग कैपिटल कितना है या उसको उसकी शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर कैपिटल वैल्यू कितनी है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अपने रेगुलर लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक है, आप लोग एक बार वहां से गो थ्रू हो जाना इस चीज को। ठीक है, देन आपका CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन होता है, दिस मिशन जो फ्लोरिकल्चर और एपिकल्चर को मिक्स करना इसका टारगेट है। फ्लोरिकल्चर इज बेसिकली फ्लावर्स रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड एपिकल्चर इज रिलेटेड टू हनी। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके टोटल पूरे एरिया का मैक्सिमम पैसा वसूल करना, बोलो तो इसको आप बोल सकते हो कि पैसा वसूल करना। ठीक है, द मिशन विल फोकस ऑन द कमर्शियल क्रॉप्स फॉर हनी बी रियरिंग सच एज ग्लैडुलस, कार्नेशन, काना, मैरीगोल्ड, रोज एक्सेट्रा। अवेलेबल नॉलेज CSIR इंस्टीट्यूट जो होते हैं, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं आपके, इनके पास जो अवेलेबल नॉलेज रहेगी उसको इंडियन फार्मर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ताकि वो फ्लोरिकल्चर एपिकल्चर को मिक्स्ड फॉर्म में यानी आपका मोनोकल्चर से मल्टीकल्चर की तरफ मूव कर सकें। ठीक है, मतलब एक ही खेत में आपका फ्लोरिकल्चर भी होगा और उसमें आपका एपिकल्चर भी होगा। ठीक है, फ्लोरिकल्चर भी हो और एपिकल्चर भी हो। बाय मिशन इज इम्पॉर्टेंट, इंडियन फार्मर्स हैव लिटल नॉलेज रिगार्डिंग द फ्लोरिकल्चर विच हैव द पोटेंशियल टू गिव 5 times मोर रिटर्न देन द ट्रेडिशनल क्रॉप्स। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें थ्रू फार्मिंग या नर्सरी रेजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। करंटली इंडिया का जो ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट में शेयर है वो सिर्फ 0.6% है, डिस्पाइट हैविंग डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। कितने एग्रो क्लाइमेट हमारे यहाँ आइडेंटिफाइड हैं कमेंट करके बताओ, कितने एग्रो क्लाइमेट, एग्रो क्लाइमेट, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट आर बीइंग क्लासिफाइड इन इंडिया, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से। ठीक है, तो CSI फ्लोरिकल्चर का मिशन क्या है, फ्लोरिकल्चर और एपिकल्चर को कंबाइंड फॉर्म में कंटिन्यू करना और फ्लोरिकल्चर को फार्मर्स के अगेंस्ट प्रमोट करना, बिकॉज दिस फ्लोरिकल्चर कैन गिव देम 5 times मोर रिटर्न। तो अगेन
दिस विल हेल्प इन अचीविंग आर डबलिंग ऑफ फार्मिंग फार्मर्स इनकम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है, डबलिंग जो हमारा गवर्नमेंट जो हमारा टारगेट है। आप लोग मेरे को एक ना ये पॉइंट में ना एक पॉइंट ऐड कर लो, पीएम 10 पॉइंट फॉर अचीविंग डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। आप लोग अभी जाके ये पॉइंट देखना कि पीएम के 10 पॉइंट कौन कौन से हैं और सीएसआई फ्लोरिकल्चर को उस किस पॉइंट में आप लोग फिक्स कर पा रहे हो वो देखना। ये सारा काम मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ चुके हो, आपको ये सारे पॉइंट वहां पे फिक्स करने अब खुद आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसलिए हिंट दे रहा हूँ, पीएम 10 पॉइंट फॉर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जरूर देख लेना और उन 10 पॉइंट में सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन को किस पॉइंट में आप लोग फिट कर रहे हो वो लोग मेरे को वो पॉइंट आप मेरे को कमेंट करके बताओगे अभी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर सागर मंथन। सागर मंथन एक वेसल ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है, विच हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग द इंडियन वेसल्स ऑन द ग्लोबल लेवल। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक फॉरन वेसल्स विद इन 1000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। द सिस्टम ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। इसके लिए इंडियन नेवी आपका कोऑर्डिनेट करेगा। इंडिया विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस सिस्टम विद कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो समथिंग अगर ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आते हैं इट इज ओनली फॉर इंडिया या इट विल नॉट या इट विल ट्रैक ओनली द वेसल्स ऑफ इंडिया, तो वो स्टेटमेंट गलत रहेंगे। इट विल ट्रैक फॉरन वेसल्स ऑल्सो और इट विल बी इंडिया विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस सिस्टम विद द कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड मालदीव्स ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोग ये इन सब के नोट्स जरूर बनाते रहना। देन आपका आते ईस्टर्न रेलवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो काम है वो है कि जो नेशनल वाटरवे 1 है यानी अलाहाबाद से लेके हल्दिया तक और इधर नेशनल वाटर 2 है आपका, दिस इज NW2। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2, द सोर्स ऑफ द इमेज इज PIB। ठीक है, द सोर्स ऑफ द इमेज इज PIB, ये है आपका ढुबरी से लेके सादिया तक। तो इसका जो टारगेट है ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड का, ये NW1 और NW2 को कनेक्ट करना चाहता है थ्रू बांग्लादेश, यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से आप दोनों वाटरवे को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश से कनेक्ट करोगे तो काफी ज्यादा एरिया शॉर्ट हो जाएगा, मतलब हम अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है उसको हम डायरेक्टली अपने मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम इज टू सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन NW1 एंड NW2 थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स। इट विल ऑल्सो बी डेवलपिंग एन इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ 4200 किलोमीटर ऑफ वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग इन स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट सीक्स टू एस्टेब्लिश अ वे फॉर रीजनल इंटीग्रेशन अमंग द 5 कंट्रीज भूटान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर बिमस्टेक। ठीक है, बिमस्टेक के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ठीक है, आप लोग इसके कितने सदस्य हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इसमें हम 42 किलोमीटर का लगभग इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवे डेवलप कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो हमारी ईस्टर्न डब्ल्यू यानी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्लस नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी है उसको कंबाइंड करके हम अपने ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम अपने इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में आपके कमेंट्स देखता रहता हूं जब वीडियो चलती है, तो होगा तो मैं आपको उसमें अपडेट, जो भी डाउट होगा आप उसमें कमेंट कर देना, मैं उसमें आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे की करंट अफेयर्स का हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा सभी करंट अफेयर्स में, जैसे कि आपने अभी तक देखा। ठीक है, तो हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे इसमें अब।